हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं जो आप लोग को जो न्यूज़ देने वाला है वो सुन के आप लोग ज़रूर मुझे थैंक्स बोलना चाहेंगे, लेकिन थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे चैनल का थोड़ा सपोर्ट कर देना। ऋतिक रोशन और प्रभास की एक मूवी आने वाली है, ये लोग ये जो न्यूज़ है आप लोग जानते हैं, लेकिन ये न्यूज़ कितना सही है और कितना गलत है मैं आप लोग को प्रूफ के साथ बताऊँगा। पहले आते हैं ये दोनों सुपरस्टार की फिल्म के लाइनअप पर। अगर हम लोग देखते हैं कि ऋतिक जो इसकी अगर हम लोग फिल्म की लाइनअप के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो अगले फिल्म आने वाली है वो है फाइटर, उसके बाद क्रीज 4 एंड उसके बाद वार 2, जो लगभग 2024 के अंदर ये सारी फिल्म आ जाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग अगर प्रभास के फिल्म के लाइनअप देखें तो उसके आदि पुरुष, इसके बाद प्रोजेक्ट के एवं स्प्रिट जो 2024 में के अंदर आ जाएंगे। और जो न्यूज़ कंफर्म हुई है जिसका डायरेक्टर होने वाला है सिद्धार्थ आनंद और इसका जो प्रोड्यूस करेंगे वो है मैथ्रीज मूवी मेकर, तो ये जो कंफर्म हुआ डेट वो 2025 के अंदर बिगेस्ट एक्शन फिल्म होने वाला है इंडिया की, तो ये मूवी 2050 में कंफर्म हुआ है। तो आप लोग यही से बता सकते हैं कि जिसका ये दोनों सुपरस्टार का लाइनअप के हिसाब से ये दोनों सुपरस्टार के साथ बात करने के बाद ये डेट कंफर्म हुई है। और आप लोग इसे कोइंसिडेंस बोलेंगे या कुछ और, तो मैं आप लोग को बोल देता हूँ, सिद्धार्थ आनंद जो पलट के डायरेक्टर है अभी के टाइम पे पठान कितना बड़ा हिट दे चुका है आप लोग जानते हैं। और जो मैथ्री मूवीज़ है ये तेलुगु मूवी को प्रोड्यूस करता है, तो इसके अंदर से आप लोग देख पाएंगे तेलुगु एंड बॉलीवुड के डायरेक्टर मिसअप होने वाला है। इसके ये सब जो न्यूज़ निकल के आ रहा है इससे तो 90% कन्फर्म हो जाता है कि टाइगर और ऋतिक को हम एक साथ प्रभास और ऋतिक को हम एक साथ एक मूवी में देख पाएंगे 2025 में। और कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2-3 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है, एक बात हम नहीं कह सकते कि आएंगे, लेकिन ये सब न्यूज़ सुन के जरूर लगता है कि कंफर्म है। तो अगर ये मूवी आने वाला है तो आप लोगों को क्या लगता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ये लगने वाले हैं और पैसा ही पैसा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा।